हाउस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में न्यूज़ आई और जैसे ही न्यूज़ आई थी वैसे ही वो शेयर नीचे गिर गए। काफ़ी अच्छी गिरावट वहाँ पर उन शेयर में हुई है और वो पिछले 3 महीने से वो शेयर पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छा उन्होंने रिटर्न भी दिया है। लगभग लगभग आपके पैसे दुगने कर दिए उन्होंने। रिटर्न 100% तक का रिटर्न उन्होंने उन शेयर्स ने प्रोवाइड किया है। तो हम उन शेयर के बारे में डायरेक्ट आते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और हर वीडियो को लाइक और कमेंट करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे। तो आइए हम उन दो शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो उन शेयर का नाम है पहला मुथूत फाइनेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने में यहाँ पर क्या अच्छे तरीके से ये शेयर किस तरीके से भागा है। जहाँ पर ये मार्च में 24 मार्च को 514 रुपये का हुआ करता था और आज और ये 1334 रुपीज़ का, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं 1334 रुपीज़, लगभग 1350 रुपये तक के आसपास ये शेयर गया है। बट आज एक साथ ही ऐसी न्यूज़ मार्केट में आई कि ये शेयर जहाँ जहाँ पर 1311 पे आज हाईएस्ट ये 12:45 पर था। तो अचानक ही शेयर में इस तरीके से गिरावट होती गई और ये शेयर 1183 रुपये तक पहुँच गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फिर इसमें इसने जंप मारी और ये 1211 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई है। मतलब फिर भी 46 पॉइंट्स नीचे, मतलब 3.73% की इसमें नीचे गिरा है। इसके अलावा एक और शेयर है जो कि इस तरीके के गोल्ड के लोन में गोल्ड रख के लोग इससे पैसा लेते हैं। तो दूसरा शेयर जो हम आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है मन्नापूर्णम फाइनेंस लिमिटेड। इस शेयर ने कभी आप अगर पर देखेंगे तो 23 मार्च को ये 79 रुपीज़ पर ट्रेड किया करता था और ये इसका अगर हाईएस्ट भी अगर हम देखें 28 जुलाई को 182 रुपीज़ के लगभग ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये इसमें भी क्या हुआ, ये दोनों गोल्ड देने वाली कंपनी है जहाँ पर ये 12:15 बजे 168 पे ये ट्रेड कर रहा था, नीचे गया 155 रुपीज़ तक और क्लोजिंग इसकी लगभग 156 पे क्लोज हुआ। मतलब 2.55 पॉइंट्स की गिरावट, मतलब 1.60% की इसमें गिरावट हुई है। तो ऐसा हुआ क्या आज कि ये शेयर एक साथ नीचे गिर गए। तो एक न्यूज़ आई है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज रिजर्व बैंक की मीटिंग थी, रिजर्व बैंक की एक मीटिंग थी, एमपीसी जिसे कहते हैं, तो रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग थी जिसमें हमारे जो शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने कुछ फेरबदल किया है लोन के अगेंस्ट। तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आरबीआई टुडे ईज द गोल्ड लोन गाइडलाइंस विच विल एनेबल लेंडर्स टू गिव मोर लोन अगेंस्ट ज्वेलरी। अकॉर्डिंग टू करेंट आरबीआई रेगुलेशन अप टू 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड कैन बी लेंड। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड कैन बी लेंड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले आप जाते थे मुथूत फाइनेंस या मन्नापूर्णम फाइनेंस के पास तो आप गोल्ड देते थे तो वो आपको जैसे 75% तक का ही लोन प्रोवाइड करते थे। अगर आप 1 लाख रुपए की ज्वेलरी उन्हें दे रहे हैं तो आपको वो केवल 75,000 रुपीज़ ही पे किया करते थे। बट अभी आरबीआई की एमपीसी जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये रूल्स चेंज कर दिया है और इस रूल्स के नए रूल्स के हिसाब से अब आपको जहाँ पर पहले 75% लोन मिला करता था अब 90%, मतलब आप 1 लाख रुपए की ज्वेलरी देंगे तो आपको 90%, मतलब 90,000 रुपीज़ तक का लोन आपको ये फाइनेंस कंपनी जो गोल्ड देती है, गोल्ड दे के आप गोल्ड देते हैं और लोन लेते हैं तो 90% तक का आपको लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। और ये कब तक रहेगा तो देखिए, दिस रिलैक्सेशन विल बी इफेक्टिव टिल मार्च 31st, मतलब जो आने वाला है मार्च 31st 2021 है, 2021 तक 31 मार्च तक ये वैलिड रहेगा। इसके बाद दोबारा सेम 75% वाली कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये जैसे ही 90% ऑफ द लो वैल्यू ऑफ द गोल्ड कैन बी लैंड ये वाली न्यूज़ जैसे ही आरबीआई ने अनाउंस करी तो ये शेयर जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं मुथूत फाइनेंस और मन्नापूर्णा सीधे गिरने शुरू हो गए। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि गोल्ड एक मेटल है जैसे कि आपको पता है, तो
तो कभी भी अगर फ्यूचर में ये आपको, आप गोल्ड रखते हैं और आप पैसे देते हैं, आपको ये पैसे देते हैं, तो अभी अगर फ्यूचर में गोल्ड की कीमत नीचे हो गई तो इन कंपनी को सीधा सीधा घाटा पहुंच सकता है। ओके, ये कंपनी जहाँ पर अभी अभी पिछले 3 महीने से बेटर परफॉर्म कर रही थी, अचानक नीचे गिरी है, तो इसका रीज़न यही है कि अगर आपको वो 90% तक का लोन देंगी, पहले 75 देती थी, बट अगर 90% तक का लोन देंगी, और कल जैसे कि आज गोल्ड का गोल्ड इनकम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अगर गोल्ड नीचे गिरने लग गया तो इन कंपनीज को डायरेक्ट घाटा होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से ये कंपनियां जहाँ पर आज 13-19 पे, मतलब अब ऊबर बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रेड कर रही थी, नीचे आना शुरू हो गई और ये शेयर नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मुथूट फाइनेंस और अन्नपूर्णम इसमें, इसका गोल्ड लोन देने में वो दो अच्छी बड़ी कंपनी है। तो जैसे कि आज का परफॉर्मेंस आप देख लेते हैं, तो मुथूट फाइनेंस में आज ज़्यादा कुछ खास नहीं, लगभग 23.88% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाई हुई देखी गई है। जैसे ये नीचे जाने लग गया तो लोगों ने इसमें ट्रेड करना शुरू कर दिया, लोगों ने डिलीवरीज उठाना शुरू कर दिया फॉर द फ्यूचर। और जैसे ही अन्नपूर्णम का देख लेते हैं, तो अन्नपूर्णम में भी लगभग 15.18% तक की, जैसे कि आप देख रहे हैं, 15.18% तक की डिलीवरीज उठाई गई है। तो अब आगे क्या करना चाहिए, जैसे कि इस तरीके की न्यूज़ आ गई है, ये 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहने वाला है। अगर आप जाते हैं तो आपको 90% तक का लोन मिलेगा। अब कंपनी, अब फ्यूचर में लोन गोल्ड तो बढ़ेगा ही, आपको भी पता है, बेशक से आज कितना भी ट्रेड कर रहा है, कभी ये 5000 रुपीज़ पर तोला भी हुआ करता था, आज ये 56-57 थाउजेंड तोला हुआ करता है, और आगे वाले टाइम में ये शायद लाख पे भी पहुंच सकता है। तो अगर किसी ने लगभग, जैसे मुथूट फाइनेंस है, किसी ने 1300 रुपये से ज़्यादा ऊपर लिया है, तो उन्हें आज आज नेगेटिव, उनके उनका जो पोर्टफोलियो है नेगेटिव में होगा, तो आप क्या करें, आप इसे होल्ड करिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग, जैसे कि ऑलवेज मैं बताता ही हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप जितना जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देगा, ये शेयर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। आज बेशक से आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में, बट आने वाले कुछ टाइम पे आपका पोर्टफोलियो दोबारा ग्रीन में हो सकता है, तो आप इन शेयर्स को होल्ड करिए। और जितना अगर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, तो और भी बेहतर रहेगा। आप जितना नीचे जाता है आप और खरीदिए, तो आपका ये जो एवरेज हो जाएगा, आपने जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया, एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और फ्यूचर में जैसे ही ये गोल्ड, जैसे मुथूट फाइनेंस और मन्नपूर्णम फाइनेंस अच्छा ग्रो करने लग जाएंगे, इनका शेयर जैसे ही और आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगा, तो आपका प्रॉफिट का रेशो अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो मेरा कहना, मेरा जो ओपिनियन है यही है कि आप होल्ड करिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बाय एंड डिप्स की भी स्ट्रेटेजी लगाइए, और आप इसे और खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको देखा ही गया है कि जैसे ही नीचे गया, 1183 तक आया, फिर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, तो आप भी खरीद सकते हैं और इसमें दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने अपनी जो पोर्टफोलियो है उसे एवरेज कर सकते हैं, सो दैट आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। तो हम वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच। जाने से पहले फिर एक बार आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। और मुथूट फाइनेंस के ऊपर मैंने पिछले, जैसे कि पिछले मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसको फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।